किनार शो शाइनिंग स्टार। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच बॉलीवुड की गलियों में नाम कमाने वाले कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो नेम और फेम गेन करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में बात करेंगे आप सभी के फेवरेट सितारों की ग्लैमरस लाइफ के बारे में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और बढ़ते हैं अपने स्पेशल एपिसोड की रिपोर्ट की तरफ। लेकिन 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 इससे पहले कि आप हमारी रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाएं, आपको शॉर्ट डिटेल में बताते हैं कि आज सबसे पहले हम किन के बारे में बात करेंगे। तो बता दें, आज हम बात करेंगे जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा की। तो बता दें आप, अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। इनकी लव स्टोरी के चर्चे आसमान छूते हैं और हाल ही में अमिताभ बच्चन की फिल्म 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें रेखा वहाँ मौजूद थी, लेकिन जया बच्चन अपने पति की स्क्रीनिंग में बिल्कुल नहीं आई। जी हाँ, इसका कारण है रेखा। जया बच्चन को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि रेखा उनकी स्क्रीनिंग में वहाँ मौजूद थी और इसी कारण बच्चन परिवार में थोड़ी दरारें आ गई हैं। और ऐसी ही मजेदार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन आज भी रेखा किसी न किसी वजह से बिग बी के साथ अपने सिलसिले ताजा रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा की वजह से बच्चन परिवार में हमेशा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में जया बच्चन ने अमिताभ की फिल्म 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग को स्किप कर दिया था। दरअसल उस स्क्रीनिंग को रेखा ने अटेंड किया था। यही वजह है कि जया जी ने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा। जानकारी के लिए बता दें, रेखा कभी अभिषेक पर प्यार लुटाती हैं तो कभी वो मीडिया के सामने बच्चन बहू ऐश्वर्या की तस्वीरों को दुलार कर लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, रेखा तो जया जी के साथ भी पब्लिकली फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश करती हैं। साथ ही जया बच्चन अगर रेखा को कहीं दिख जाती हैं तो वो उनके पैर छूकर उनके गले लगा लेती हैं। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक तो तकल्लुफ में रेखा से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जया बच्चन को रेखा के पैतरे रास नहीं आते। खबर है कि बच्चन परिवार के करीब जाने की रेखा जब भी कोशिश करती हैं तो वो अच्छा फील नहीं करती। अभिषेक और ऐश्वर्या रेखा का लिहाज करते हैं तो वहीं जया बच्चन रेखा के साथ ना तो मिलना चाहती हैं और ना ही उनसे बात करना पसंद करती हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म 102 नॉट आउट 4 मई को रिलीज होने वाली है। इससे पहले सेलिब्रिटीज के लिए स्क्रीनिंग रखी गई। पहली बार रेखा बिग बी की फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंची। वैसे तो रेखा बिग बी की किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग को अवॉइड करती हैं, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। पिछले कुछ समय से रेखा बच्चन परिवार के साथ करीबियां बढ़ाती हुई नजर आई। ये चीज जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। रेखा जब भी ऐश्वर्या से मिलती है तो उन्हें प्यार से गले लगाती है और किस करती है। कुछ दिन पहले रेखा ने आश को ओपन लेटर भी लिखा था। रिपोर्ट की माने तो जया को रेखा का स्क्रीनिंग में पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बच्चन परिवार के करीबी ने बताया कि रेखा के पहुंचने से जया काफी अनकंफर्टेबल हो गई। रेखा को कहते सुना गया, I love the बच्चन सी। ऐसे में जया को ये सब पसंद नहीं आया। वैसे भी जया अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं पाती। पिछली शाम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग में भी पहुंचे थे। बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कलंक की शूटिंग के लिए काफी बिजी हैं। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर आलिया ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी आपको बता दें, हाल ही में आलिया भट्ट फिल्म कलंक की शूटिंग से वक्त निकालकर लातूर के मराठवाड़ा में मजदूरी के लिए पहुंची। बता दें, मजदूरी सेलेब्स द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक पहल है जो कि आमिर खान ने अपनी फाउंडेशन के तहत चलाई जा रही है। और लातूर में आलिया भट्ट आमिर खान के साथ मुहिम का हिस्सा बनते हुए कैप्चर हुई हैं। जानकारी के लिए बता दें, फोटोज में आलिया फावड़े के साथ मिट्टी खोदते हुए नजर आ रही हैं। 30 अप्रैल को ही आलिया ने ट्विटर पर मराठवाड़ा के गांव में जाकर श्रमदान करने की जानकारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ आलिया के सामाजिक कार्यों से जुड़ने की फैंस ने भी खूब तारीफ की थी। फैंस ने आलिया को कहा कि हमें आप पर गर्व है। बता दें, मजदूरी यानी कि श्रमदान करते हुए आलिया की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
बॉलीवुड की धकधक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कलंक में माधुरी दीक्षित एक डांस टीचर के रोल में नजर आएंगी। बता दें फिल्म में माधुरी दीक्षित आलिया भट्ट और कियारा अडवाणी को डांसिंग सिखाएंगी। माधुरी दीक्षित जिस भी फिल्म में काम करती हैं उस फिल्म में उनका एक डांस आइटम जरूर होता है और अब कलंक में भी माधुरी एक शानदार डांस तैयारी में जुटी हुई हैं। डांस के लिए आजकल वो घंटों डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं और करीब 21 साल बाद माधुरी संजय दत्त के साथ काम कर रही हैं और इसी वजह से ये फिल्म काफी चर्चाओं में बनी हुई है। बता दें करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक का सेट काफी भव्य बनाया गया है। फिल्म सिटी में 15 करोड़ का सेट लगवाया गया है। करण ने इस सेट को अमृता महल से डिजाइन करवाया है। कलंक की कहानी 1940 पर आधारित है इसलिए सेट को भी इसी हिसाब से बनाया गया है और इस सेट पर शूटिंग भी चालू हो चुकी है। फिल्म कलंक करण के जीवन में खास महत्व रखती है क्योंकि ये फिल्म उनके पिता यश जौहर का प्रोजेक्ट है। यश इस फिल्म को बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह पिछले कई दिनों से दीपिका संग शादी को लेकर खूब चर्चाओं में बने हुए हैं और इसी बीच रणवीर का एक नया अवतार भी सामने आया है। जी हां, बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह इन दिनों स्विट्जरलैंड में काफी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले रणवीर ने स्विट्जरलैंड में अपनी येलो जैकेट में एक तस्वीर शेयर की थी। वहीं इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो गाना गाते नजर आए थे और अब रणवीर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रणवीर सिंह चार्ली चैपलिन के अवतार में दिखाई दे रहे हैं। चार्ली चैपलिन के गेटअप में रणवीर सिंह पहचान में नहीं आ रहे हैं। रणवीर ने खुद को चार्ली के अंदाज में कुछ ऐसा ढाला है कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। रणवीर वीडियो में चार्ली की तरह चल रहे हैं और अपनी छड़ी घुमा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें रणवीर ने चार्ली की तरह ही नाक के नीचे छोटी सी मूंछ और सिर पर हैट पहनी हुई है। रणवीर वीडियो में हर काम बड़ी तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह ने जिस अंदाज से वीडियो शूट किया है उन्हें देखते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन आज भी रेखा किसी न किसी वजह से बिग बी के साथ अपने सिलसिले ताजा रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा की वजह से बच्चन परिवार में हमेशा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? जी हां, आपको बता दें हाल ही में जया बच्चन ने अमिताभ की फिल्म 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग को स्किप कर दिया था। दरअसल उस स्क्रीनिंग को रेखा ने अटेंड किया था, यही वजह है कि जया जी ने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। जानकारी के लिए बता दें रेखा कभी अभिषेक पर प्यार लुटाती हैं तो कभी वो मीडिया के सामने बच्चन बहू ऐश्वर्या की तस्वीरों को दुलार कर लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, रेखा तो जया जी के साथ भी पब्लिकली फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश करती हैं। साथ ही जया बच्चन अगर रेखा को कहीं दिख जाती हैं तो वो उनके पैर छूकर उनके गले लगा लेती हैं। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक तो तकल्लुफ में रेखा से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जया बच्चन को रेखा के पैतरे रास नहीं आते। खबर है कि बच्चन परिवार के करीब जाने की रेखा जब भी कोशिश करती हैं तो वो अच्छा फील नहीं करती। अभिषेक और ऐश्वर्या रेखा का लिहाज करते हैं तो वहीं जया बच्चन रेखा के साथ ना तो मिलना चाहती हैं और ना ही उनसे बात करना पसंद करती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंध आनंद की रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। साथ ही आप ये सब तो जानते हैं कि सलमान खान का गुस्सा काफी खतरनाक है। वहीं अब खबर आ रही है कि सलमान की चहेती एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सलमान को शायद गुस्सा दिलवा दिया है और वजह शाहरुख खान को बताया जा रहा है। जी हां, बता दें जैकलिन फर्नांडिस हाल में शाहरुख से मिलने उनके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंची थी और खबरों की माने तो वो शाहरुख के साथ काम करना चाहती हैं और इसके लिए वो काफी समय से कोशिश कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दें जैकलिन ने शाहरुख से काम मांगकर सलमान को ठेस पहुंचा दी है और इस बात को जानने के बाद सलमान ने जैकलिन को कहा, हर किसी को अपना करियर ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ काम करने की कोशिश करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने बकायदा जैकलिन को मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं इससे पहले खबर आ रही थी कि जैकलिन जब शाहरुख से मिलने गई तो शाहरुख को इस बात का डर लग रहा था कि सलमान कहीं उनसे गुस्सा न हो जाए और उन्हें खरी खोटी न सुनाने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो दोस्तों देखा आपने आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, जिनकी वजह से ये स्टार्स काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। वेल, अब वक्त आ गया है आप सभी के साथ विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।